बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक में स्वागत है। आइए आज बात कर रहे हैं कुबेर देव की पूजा करने से नहीं होती है धन और वैभव की कमी, भगवान शिव से मिला है ये वरदान। जानिए कुबेर पूजा की सही विधि क्या है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाई जाएगी। 5 दिन तक चलने वाले दीपावली के त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के इस शुभ दिन से ही होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन इनकी पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन धन के स्वामी कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व है। उन्हें धन का देवता कहा गया, धनाध्यक्ष कहा गया है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि आपके धन और संपत्ति की रक्षा ये करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन सुख संपत्ति और वैभव प्राप्ति के लिए कुबेर देव की पूजा की जाती है। पुराणों में उल्लेख है कि कुबेर देव भगवान शिव के प्रिय सेवकों में से एक है। कुबेर देव को भगवान शिव का वरदान मिला हुआ है, जिस कारण उन्हें धन के देव होने का सौभाग्य प्राप्त है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो भी भक्त कुबेर देव की पूजा करेगा उस पर धन वैभव की वर्षा होगी। अगर इस मंत्र से अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक तंगी दूर होगी और लाभ होगा। मंत्र है ओम श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करने से पहले इन 2 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस मंत्र का दक्षिण की ओर मुख करके इसका जप करना चाहिए, तभी यह सिद्ध होगा। दूसरा, मंत्र उच्चारण करते समय कोई छोटी सी भी गलती ना हो। इसके साथ ही इसका बात का ध्यान रखें कि इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। मंत्र जप से पहले स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। मंत्र का उच्चारण भगवान शिव के जी के मंदिर में करें। दूसरा है, मान्यता है कि यदि प्रयोग बिल्वे वृक्ष के जड़ों के पास बैठकर किया जाए तो ये मंत्र जल्दी ही प्रभाव में आ जाता है। इस मंत्र का 1000 बार जप करने से व्यक्ति हर आर्थिक समस्या से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्यक्ति के घर की सभी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति की शीघ्र अपार धन की प्राप्ति होगी। तीसरा उपाय है कि इन मंत्रों का जाप करते समय भगवान शिव को अपने ध्यान में रखें, क्योंकि कुबेर देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। शास्त्रों में कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें मंत्र साधना एक ऐसा उपाय है जिससे कुबेर देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और साधक के घर धन की वर्षा होने लगती है। आपको बता दें कि 13 दीप जलाने से भी होगा धन लाभ। वैसे तो 13 की संख्या को अशुभ माना जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये संख्या अशुभ जो है वह मानी गई है। लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 के दिन 13 संख्या शुभ होती है। इस दिन 13 दीप जलाने का महत्व है। धन के देवता कुबेर है, इसलिए 13 के दिन मतलब धनतेरस के दिन 13 दीपक धन के देवता कुबेर के नाम से जलाए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। आप कैसे पूजा करेंगे, आइए बताते हैं। यूं करें कुबेर की पूजा। मान्यता है कि कुबेर देवता की पूजा चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक करने से लाभ होता है। साथ ही कुबेर मंत्र का भी जाप करना चाहिए, तब आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आइए बताते हैं कि कुबेर कौन का मंत्र क्या है। कुबेर जी का मंत्र है यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपते, धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। दूसरा है कि कुबेरत्वं धनाधीश गृहेते कमलास्थिता ताम देवीं प्रेषयासु त्वं मद्गृहेते नमो नमः।
कहते हैं कि मंत्र जप करते समय मंत्र का उच्चारण सही और विधि पूर्वक होना चाहिए, अन्यथा फल मिलने में की संभावना कम हो जाती है। साथ ही पूजा अर्चना के दौरान जाने अनजाने हुई भूलों के लिए भी क्षमा याचना करनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।